मीटर फैब्रिक से 6 मंथ बेबी की फ्रॉक बना रहे हैं। सबसे पहले फैब्रिक को हम विथ की साइड से फोल्ड कर लेते हैं। इसे हमने 4 फोल्ड किया है। पहले हम घेर निकालेंगे। घेर हम 10 इंच का निकालेंगे। ये फ्रॉक 6 मंथ से 1 ईयर गर्ल के बहुत आसानी से आ जाएगी। इसके ऊपर हम बेल्ट देंगे, लेकिन पहले हम आर्म होल निकालेंगे। तो हम साइड से अंदाजे से आर्म होल हल्का सा कट कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 1 इंच का दिया है। सबसे पहले घेर के लिए हम सुई धागे से कच्चा करेंगे, जिसे खींच के चुनटे इक्वल आ जाती हैं और इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने कच्चा कर लिया है। अब इसे हम खींचेंगे धागे को। इसके ऊपर का पार्ट लिया है हमने 7 इंच, लास्ट तैयार हम 6 इंच रखेंगे। अब इसके ऊपर हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट हमने फोल्डेड बनाई है, तो हमने 3 इंच लिए है। फोल्ड करके ये 1.5 इंच आ जाएगी। स्ट्रेप के लिए हमने चौड़ाई ली है 3 इंच, लेंथ ली है इसकी 6 इंच। स्ट्रिप को अटैच करने के लिए घेर को हमने उल्टी साइड से लिया है। इसमें स्ट्रिप का सीधी साइड का हिस्सा अंदर की साइड रखेंगे और इसे अटैच कर देंगे। स्ट्रिप हमने 1 साइड से घेर के साथ अटैच कर ली है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, जिससे कि सीधी साइड से ही फिनिशिंग अच्छी आएगी। जिस तरह दिखाया गया है सेम उसी तरह से हम फोल्ड करेंगे और नीचे वाली स्टिचेस को कवर करते हुए ऊपर से हम कच्चा कर देते हैं। इसके ऊपर हम स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दोनों घेर रेडी कर लेंगे। फ्रंट और बैक को अटैच करने के लिए हम शोल्डर स्टेप का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल के लिए हमने 3 3 इंच की 2 स्ट्रिप निकाली है। अब इनके दोनों साइड के पार्ट्स को हम फोल्ड कर लेते हैं। स्ट्रिप को दोनों साइड से हमने हल्का हल्का फोल्ड किया है, जिससे कि धागे ना निकलें, और दोनों स्ट्रिप हमने एक साथ जोड़ दी थी। चुन्नटों के लिए हम इलास्टिक का यूज़ करेंगे। इलास्टिक लगाना बहुत आसान है और इसे चुन्नटें भी एक सी आती हैं। इलास्टिक को हम हमेशा खींच के लगाते हैं। ये हमारी फ्रिल तैयार है। अब हम फ्रिल को आर्म होल पे लगाएंगे। इलास्टिक वाली साइड हम अंदर की साइड रखेंगे और फ्रिल को हम बाहर की साइड रखेंगे। अब इसी से हम दोनों पार्ट जोड़ेंगे। दोनों पार्ट में हमने 4 इंच का अंतर रखा है शोल्डर के लिए। इसे आप आसानी से हल्के हाथ से अटैच करते जाइए।
पहले आप कच्चा कर लेना, जिससे कि बाद में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और सेम इसी तरह से आप ड्रिल का दूसरा पार्ट भी दूसरी साइड से जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड जोड़ ली हैं। अब हम फ्रॉक की साइड्स अटैच करेंगे। सिक्स मंथ से वन ईयर की गर्ल की चेस्ट होती है 20 इंच, तो हमने यहाँ पे सेम वही साइज रखा है। अब इसे हम नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी फ्रॉक रेडी है। ये फ्रॉक 6 मंथ से 1 ईयर तक की गर्ल की बहुत आसानी से आ